एंटरटेनमेंट जगत से एक बहुत ज्यादा दुख की खबर सामने आ रही है। दरअसल सुरेखा सीकरी, आपने जिनको बालिका वधू में दादी सा के किरदार में देखा था, अब वो हमारे बीच में नहीं रही। 75 साल की उम्र में आज सुबह सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनको 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। हाल ही में फिल्म बधाई हो के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने पढ़ाई की थी और 1978 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी मैनेजर ने इस बात को कंफर्म किया है कि हाँ, कार्डियक अरेस्ट की वजह से आज सुबह सुबह उनका निधन हुआ। दूसरे ब्रेन स्ट्रोक के बाद जो है उनकी हालत खराब रहने लग गई थी। साल 2018 में उन्हें पहला ब्रेन स्ट्रोक आया था और उसके बाद वो पैरालाइज हो गई थी और सेट पर ही गिर गई थी, जिसके बाद सितंबर 2020 में उनको दूसरा ब्रेन स्ट्रोक आया और तब से उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने इलाज के लिए आर्थिक मदद भी मांगी थी, जिसकी अब जो है खबर आ रही है कि आज सुबह जो है उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। 1978 में पॉलिटिकल ड्रामा किस्सा कुर्सी का, इस फिल्म से उन्होंने शुरुआत की। 3 बार उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, तमस में 1988, मम्मो में 1995 में और बधाई हो साल 2018 में। वो जो है उत्तर प्रदेश की थी और उनके पिता एयरफोर्स में थे और उनकी मदर जो है वो टीचर थी। 1989 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। उन्होंने साल हेमंत रेंगे से शादी की थी, लेकिन साल 2009 में उनके पति का निधन हो गया था और उनका अब जो है एक बेटा है। तो सुरेखा सीकरी के निधन की खबर से बहुत सारे लोग सकते में हैं और परिवार को कंडोलेंसेस भेज रहे हैं। फिल्म विंडो भी अपने सभी व्यूअर की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता है।